हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू यूट्यूब वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिया कॉसी फेडरल है या फेडरल है ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है इसलिए हम एज अ लॉ स्टूडेंट इसे केस लॉज और एविडेंसेस के साथ देखेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ फीचर्स फेडरलिज्म के पहले डोअल गवर्नमेंट होना चाहिए यानी कि सेंटर और स्टेट्स दूसरा डिविजन ऑफ पार्स यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट तीसरा रेजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ को जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन उसे अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है डुअल सिटीजनशिप होती है हालांकि इंडिया इज एन एक्सेप्शन टू इट और सिक्सथ बाई यानी कि टू हाउसेस ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा इंडिया के केस में अब हमें अगर जानना है कि क्या इंडिया एक कौन सी फेडरलिज्म को फॉलो करती है या फेडरलिज्म को तो हमें देखना होगा कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन के बीच का डिफरेंस सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉन्फेडरेशन क्या होता है सो so, कॉन्फेडरेशन सबसे पहले यूनियन होता है इक्वल सॉवरन स्टेट्स का जो कि फॉर्म हुए हैं एक कॉमन गवर्नमेंट के अंडर दो तरह की फेडरलिज्म होती है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर है ठीक है यानी कि फेडरेशन इंडिया फेडरेशन है फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर टाइप की होती है ठीक है और कॉन्फेडरेशन कमिंग टुगेदर वाली कॉन्फेडरेशन जो होती है वो ट्रिटी बेस्ड यूनियन होती है यानी कि यहाँ पे वेरी फ्यू पावर होता है सेंटर के पास ठीक है सारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स को लिबर्टी मिली होती है इससे आपको पता चल रहा होगा कि यूएसए में ऐसा फॉलो होता है ठीक है लेकिन इंडिया में सेंट्रल इज मोर पावरफुल ठीक है प्रोविंसेस में पावर को डिवाइड किया जाता है ठीक है डिविजन ऑफ पावर होता है लेकिन सेंटर इज़ अल्टीमेटली पावरफुल ठीक है लेकिन होल्डिंग टुगेदर में जो है स्टेट्स कांट लीव यूनियन ठीक है स्टेट्स यूनियन को लीव नहीं कर सकते लेकिन कमिंग टुगेदर में कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के पास इतनी लिबर्टी होती है कि वो छोड़ सकते हैं रोल ऑफ सेंटर इज जस्ट टू बाइंड स्टेट्स टुगेदर ठीक है कॉन्फेडरेशन में इंडिविजुअल्स हैव नो राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ इंडिविजुअल्स के पास कोई राइट right या फिर ड्यूटीज नहीं है कॉन्फेडरेशन केस में क्यों क्यों क्योंकि कॉन्फेडरेशन इंडिविजुअल्स को जो है डिक्टेट नहीं कर सकता लेकिन फेडरेशन कर सकता है फेडरेशन कंट्रोल कर सकता है रेगुलेट कर सकता है लाइफ्स को इंडिविजुअल्स की बाय लॉज एंड रूल्स ठीक है सिंगल चेंड लेचर होता है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट आर रेप्रेजेंटेड इन इट ये कॉन्फेडरेशन के अंदर होता है कॉन्फेडरेशन को हम सिर्फ एक यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं लेकिन फेडरेशन को हम यूनियन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ पीपल दोनों कहते हैं अब कॉसी फेडरल है इंडिया या फेडरल है ये इसी से पता चल जाता है कि रिजिडिटी की हम बात करते हैं कॉसी फेडरल अगर इंडिया होगा तो उसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी वाली बात है वो नहीं आएगी क्यों क्योंकि मान लीजिए आप अगर कॉसी फेडरल हैं तो आपको कोई भी चीज़ आप अच्छे से जो है अमेंड कर सकते हैं यही तो हुआ कॉसी फेडरल लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है आपको रिजिडिटी के साथ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को ध्यान में रखते हुए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी आइए हम इसे कुछ केस लॉज और एविडेंसेस के साथ डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे केशवानंदा भारती केस जिसमें कि वैलिडिटी चैलेंज हुई थी ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ एंड ट्वेंटी नाइन्थ अमेंडमेंट की लेकिन ये डिसाइड किया गया गोलकनाथ के केस में कि फंडामेंटल राइट्स बियॉन्ड हैं अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट के और इसी को ओवर रूल किया गया था ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट में जिससे कि पार्लियामेंट के पास पावर आ गई थी कि अमेंड कर सकता है वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन इस पर देखिए जस्टिस हेगड़े ने कितना अच्छा जजमेंट दिया है इससे आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस कितना अच्छा लगते हैं और इसी इस एक टॉपिक से हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस का कितना अच्छा ब्लेंड है और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स में क्या लिंकेज होता है ये आज हम देखते हैं जस्टिस हेगड़े ने और मुखर्जी ने यह कहा कि एवरी रिलीजन हैज़ टू मेन फीचर्स हर रिलीजन में दो मेन फीचर होते हैं बेसिक और सकम्स्टैंशियल बेसिक जो है वो तो कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन सकमस्टैंशियल सब्जेक्ट टू चेंज है वो चेंज हो सकता है यानी कि कोर जो है रिलीजन का वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन लेकिन रिलीजन से एसोसिएटेड प्रैक्टिस जो कि बेसिक नहीं है वो सकम्स्टैशियल है वो चेंज कर सकती हैं उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एसेंशियल टू इट है और उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ठीक है इससे आपको पता चल गया कि इंडिया एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है अब हम देखते हैं जस्टिस पालेकर ने क्या कहा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो हर तरीके से चेंज किया जा सके सेम ईज और सेम मैनर में लेकिन ये क्वासी फेडरल का यू नो क्वासी फेडरल का कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन रिजिड में आपको चाहिए क्या चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी ठीक है और यहाँ पे फंडामेंटल लॉज को चेंज नहीं किया जा सकता अब हम देखते हैं एस आर बोमाई केस एस आर बोमाई केस में जो है आपने देखा कि जस्टिस अहमद ही कहते हैं कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए हमारे नेशन के लिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये सोचा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना है पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फेडरलिज्म जो है यूनाइट तो करता है सेपरेट स्टेट्स को इनटू अ यूनियन विदाउट सेक्रीफाइजिंग फंडामेंटल पोलिटिकल इंटेग्रिटी स्टेट्स को इतना अलाउ किया जाता है कि वो सॉवरिन पार में जो है काम कर सकें लेकिन रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शनस की लिमिट होती है ठीक है तो यहाँ पर कौन फेडरलिज़म और कोसी फेडरलिज़म का आपको चीज़ आपको याद आ रही होगी कि क्वसीफेडरल अगर है तो आपको राइट तो मिलेंगे आप काम कर सकते हो लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ आ गई तो रेजिडिटी का सवाल उठता है अब हम देखते हैं कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह कहा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडियन मॉडल है जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे तो बेस्ड करता है लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग टिल्ट है टुअर्ड सेंटर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यून असेंबली में ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है और फेडरल भी है क्यों क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कम्स्टेंसेज के बेसिस पे ये चेंज होता है तो रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है तो ये ब्लेंड है हर चीज़ का ठीक है यहाँ पे फेडरलिज्म और कॉसी फेडरलिज्म का भी ब्लेंड है ठीक है तो ये थी आज की वीडियो आई होप इससे आपको कुछ समझ आया होगा और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें टिल देन थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो